प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही 7,200 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का आरंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद के गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन जाने वाली ट्रेन में यात्रा की। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कालूपुर स्टेशन से प्रधानमंत्री 12,925 करोड़ रुपए की लागत की महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। विज्ञप्ति के अनुसार वह कालूपुर स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन में सवार हुए और थल तेज के दूरदर्शन केंद्र पहुंचे, जहां दोपहर में उनके एक विशाल जनसमुदाय को संबोधित किया। आपको बता दें, नई वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बहुप्रतीक्षित नव निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और यह ट्रेन व्यावसायिक रूप से चलने के लिए तैयार है। यह ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की राजधानी को जोड़ते हुए गांधीनगर और मुंबई के बीच चलेगी। इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए पश्चिम रेलवे जोन के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी जो यात्रियों को विमान यात्रा के दौरान अनुभव होता है। साथ ही अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं जैसे कवच प्रौद्योगिकी, एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से भी लेस है।